आज हमारे पास है Redmi का 9A, इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे क्या खासियत है इस फोन में और इसके बारे में बताएंगे आपको। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो बॉक्स हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, वही MI की यहाँ पर लोगो और बाकी जैसे फ़ोन है उस प्रकार से ही देखने को मिलता है। साइड में Redmi 9A लिखा गया है और यहाँ पर बैक साइड की बात करें तो उसके कुछ फीचर्स और नीचे अगर देखें तो मेड इन इंडिया का रेड में लिखा गया है, एक टैग लगा कर दिया गया है। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं Redmi 9A में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें फ़ोन देखने को मिलता है बॉक्स ओपन करते ही, इसे निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा दिया गया है। ब्लू कलर में हमने इसे ऑर्डर किया था, 3GB और 32GB वेरियंट है ये। तो इसके ये देखिए इस प्रकार से निकाल लिए हमने इसकी पन्नी और यहाँ पर Redmi लिखा हुआ यहाँ पर आया है स्क्रीन पे, जो कि एक ऊपर से स्क्रीन गार्ड टाइप का लगा के दिया है। पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करा है। यहाँ पर नीचे Redmi लिखा गया है प्लेन में और बाकी जो है वो थोड़ा ग्रिल वाली डिज़ाइन दी गई है ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे हाथ पे। तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पर ब्लू कलर में। और साइड में इसके देखें तो पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हेडफोन जैक दिया गया है और सेकेंडरी माइक इसमें नहीं है दोस्तों। और साइड की बात करें तो यहाँ पर सिम कार्ड ट्रे दी गई है, नीचे की तरफ एक माइक और यहाँ पर चार्जर पोर्ट और स्पीकर दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन गार्ड लगा के दिया गया है जिसमें MI का लोगो और Redmi यहाँ पर लिखा गया है। इसे निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे ऑन करेंगे। तो डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है देखने में, थोड़ा अलग सा यहाँ पर लग रहा है। तो Redmi 8A जो कि बढ़िया सा फ़ोन आया था उसके बाद ये Redmi 9A काफ़ी अच्छा फ़ोन मेरे को लग रहा है इस बजट रेंज में। तो हमने आज देखा कि बजट में काफ़ी सारे लोग अच्छे फ़ोन देखते हैं, लेने की सोचते हैं, तो मैंने भी इसे यहाँ पर देखा और आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ इसकी। तो स्क्रीन की पन्नी हमने निकाल ली है और अब हम देखेंगे इसे ऑन करके, और इसको जब तक ये बूट होता है तब तक हम इसे साइड में रखते हैं और देखेंगे बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। बाकी इसके फीचर्स तो मैं आपको बताते ही रहूँगा दोस्तों। इसमें 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर रियर कैमरा दिया गया है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा। इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर केस एक बॉक्स है जो वाइट रंग का है, इसको खोल के देख लेते हैं, जिसमें एक हमें सिम ट्रे पिन दी गई है। अंदर यूज़र मैनुअल और गाइड दी गई है दोस्तों, इसमें बैक कवर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर MI ने बजट फ़ोन से अपना बैक कवर हटा दिया है। और ये चार्जर है दोस्तों जो कि 10 वॉट का हमें देखने को मिलता है इस फ़ोन में। 5000 mAh की बैटरी है तो उसको चार्ज करने के लिए 10 वॉट का यहाँ पर चार्जर दिया गया है। और साथ में एक केबल दी गई है जो कि अभी भी यहाँ पर ओल्ड वाली है दोस्तों, देख सकते हैं USB टाइप सी नहीं दी गई है, माइक्रो USB दी गई है। फ़ोन को कर लिया है बूट और देखते हैं अब इसका इंटरफेरेंस किस तरीके का है। सबसे पहले चेक करते हैं इसमें चाइनीज़ ऐप डाल के दी गई हैं या नहीं, जो कि MI पहले करता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बैन हो चुकी हैं ऐप यहाँ पर इंडिया में, वो लगभग इसमें नहीं डाल के दी गई हैं। MI ने अपनी कुछ ऐप डाल के ज़रूर दी हैं इसमें। और कुछ हमें यहाँ पर गेम्स ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल दिखते हैं, तो जो गेम यूज़र हैं उनके लिए ये काफ़ी काम आने वाले हैं। फ़ोन में ऑलरेडी यहाँ पर 5000 mAh बैटरी दी गई है और यहाँ पर MediaTek का G25 प्रोसेसर दिया गया है, तो ये आपका गेमिंग एक्सपीरियंस शायद बेहतर कर देगा
बजट फ़ोनों में। तो अब देख लेते हैं इसका कैमरा, जो कि यहाँ पर क्या क्या इसके फीचर्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या फीचर्स दिए हैं। वही प्रो मोड है, वीडियो मोड है, फ़ोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, और कुछ और होंगे शायद यहाँ पर ऑप्शन, जो कि मोर में जाके आएंगे देख लेते हैं। तो मोर में जाके हम देख सकते हैं टाइम्स लैप और शॉर्ट वीडियोज़ हैं, और एक एडिट का ऑप्शन और दिया है यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो ये प्रो मोड और पोर्ट्रेट मोड इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो सेम यहाँ पर सेल्फी कैमरा में भी ऐसा ही है, देख लेते हैं इनके सैम्पल इंडोर लाइटनिंग में फ़ोटो खींच के। प्राइमरी कैमरे की फ़ोटो, ये सारी फ़ोटोज़ इंडोर लाइटनिंग में ली गई है, ये सेल्फी कैमरे से ली गई है। सारी फ़ोटोज़ हमने इंडोर लाइटनिंग में क्लिक करी है, सेल्फी कैमरा के सैंपल हैं ये, और रियर कैमरा के भी सैंपल हैं। तो ये सैंपल्स देखने के बाद आपको लग गया होगा कि ये कैमरा आपको कैसी परफॉर्मेंस देंगे। तो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर सिंगल कैमरा दिया गया है रियर में, और यहाँ पर सेल्फी कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है। तो दोनों की फ़ोटो मैंने आपको दिखा दी है किस प्रकार से आती है इंडोर लाइटनिंग में, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए वो फ़ोन कैसा रहेगा। सिम ट्रे दिखाता हूँ मैं आपको इसकी कैसी दी गई है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें आप एक SD कार्ड और 2 सिम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ और फीचर्स की बात करें तो फ़ोन को देख लेते हैं, और इसमें हमें MIUI 12.0.7 के ऊपर मिलती है, और एंड्रॉयड 10 के साथ ये हमें देखने को मिलती है फ़ोन में। तो एंड्रॉयड लेटेस्ट दिया गया है यहाँ पर Redmi Note 9A में। और प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और जो कि 2 GHz प्रोसेसर है, तो ठीक ठाक प्रोसेसर है दोस्तों। तो सेटिंग इंटरफेरेंस की बात करें तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि MIUI का सभी फ़ोनों में देखने को मिलता है MI के। तो इस फ़ोन की समरी देख लेते हैं दोस्तों। बॉक्स में इसके आपको अडेप्टर, USB सिम इजेक्टर टूल और वारंटी कार्ड देखने को मिलते हैं। और इसके फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें ये जो वर्ज़न है ये 3GB 32GB वाला है, और एक्सटेंडेबल इसको 512GB तक कर सकते हैं। और अगर इसके स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.5 इंच का दिया गया है, जो कि आपको फुल HD प्लस मिलता है दोस्तों। 13 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000mAh की बैटरी है, और MediaTek का हीलियो G25 प्रोसेसर दिया गया है। यही थी Redmi Note 9A की क्विक अनबॉक्सिंग दोस्तों और समरी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन